हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह के 6 बज चुके हैं और मैं सो के उठ रहा हूँ। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि मेरे साथ कौन सोया होता है और हम किसके साथ सुबह उठ रहे हैं। देखिए, अभी देख सकते हैं, शिवा के साथ मैं सोया होता हूँ और शिवा हमें सुबह सुबह बहुत जल्दी जगा देता है। रात को थोड़ा कम सोता है और सुबह हमें 6 बजे उठा देता है, और 6 बजे इसकी मम्मी और मुझे उठना पड़ता है। फिर अब शिवा बिल्कुल फ्रेश हो चुका है, अब उसका टाइम होता है ये खेलने का, अब वो खेलता रहता है। देख सकते हैं आप किस तरह खेल रहा है, देखिए। तो ये हमारा बेटा है शिवा, ये 4 महीने का हो चुका है, 5वें महीने में लग चुका है। तो देख सकते हैं आप 4 महीने में कितना बड़ा हो चुका है। पूजो, हाँ देखा, आपको इसने गुड मॉर्निंग भी बोल दिया है ना शिवा। चलो शिवा, आप देखो, जाना, उसकी मम्मी भी आ गई है इसको ले जाने। हमने जाना है अब इसको ले किचन। जा रहे हैं किचन। बोलो बाय बाय बोलो बाय शिवा बाय बाय बाय। बाय 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 शिवा, बाय बाय अब मिलेंगे हम, किचन अब में। आपको हम मिलेंगे किचन में। शिवा देखते हैं किचन में सोता है कि क्या खेलता है, फिर आपको मिलते हैं। तो गाइज, हम जा रहे हैं अब किचन। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा डॉगी, इसका नाम है सिम्बा। तो गाइज, हम आ चुके हैं किचन में। ये है मेरी माँ और ये है शिवा के दादू। तो देखते हैं शिवा क्या कर रहा है। ओहो, शिवा तो दादू की गोदी में सो रहा है, क्योंकि शिवा को सिर्फ दो ही लोग सुलाते हैं यहाँ पे घर पे, एक उसके दादू, एक उसके पापा। देख सकते हैं शिवा दादू की गोद में कैसा खुश रहता है। तो अब उसको दादू लोरी सुना के, गाने गा के सुलाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ शिवा किस तरह सो रहा है। अभी तक वो नहाया भी नहीं है, तो अभी वो सोया हुआ है। जब वो उठेगा फिर हम उसको नहलाएंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं शिवा सो चुका है, बहुत ही प्यारा लग रहा है सोते हुए। तो मैं जोर से बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं जोर से बोलूँगा तो वो उठ जाएगा। तो जब वो उठेगा फिर हमें उसे नहलाना भी है, क्योंकि वो नहाया ही नहीं अभी तक, बहुत लेट हो चुके हैं। वो सुबह उठते ही सो जाता है, फिर उसको नहलाने में बहुत लेट हो जाता है। तो गाइस, अब मैं जा रहा हूँ खेत की ओर, जहाँ हमने आलू लगाने हैं। वहाँ पहले ही मेरा छोटा भाई और डैड पहुँच चुके हैं। किचन में आ चुका हूँ, और किचन में जैसे ही पहुंचा तो देखा मैंने शिवा खेल रहा था, बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। तो गाइस, जैसे आप देख सकते हैं शिवा उठ चुका है और इसका पानी भी रेडी हो चुका है नहाने के लिए। और मैं खेत में था और खेत तक इसके रोने की आवाज़ सुनाई दे गई थी। तो हम दौड़ते दौड़ते वापिस आए और देखा कि ये उठा हुआ था। तो फिर आज इसकी दादी इसको नहलाएगी, पानी इसका रेडी हो चुका है। नहाना है अब, नहाना है। हाँ, बोल रहा कि नहाना है अब, है ना। हाँ, अब हमें नहाना है। शिवा स्माइल करो, स्माइल करो, स्माइल करो, स्माइल करो। अब हमने नहाना भी है, अब जो आज इसमें आपको बहुत मजा आता है नहाते हुए। तो गाइस, अब हम शिवा के कपड़े खोलते हैं। शिवा देखो कितना लंबा हो चुका है, देख सकते हैं आप कितना लंबा हो चुका है 4 महीने में, ये देखो।
शिवा बिल्कुल नहा के बिल्कुल फ्रेश हो चुका है और अब शिवा अब कपड़े पहन रहा है। अब इसकी माँ आ चुकी है इसको कपड़े बनाने के लिए और देख सकते हैं आप, माँ इसकी देखो किस तरह से इसके कपड़े बना रही है और अपनी माँ के पास ही इतना खुश खुश होके कपड़े पहनता है, देख सकते हैं आप। हाँ मजा आ रहा है। शिवा अब बिल्कुल कपड़े पहन के बिल्कुल रेडी हो चुका है, नहाने के बाद ही हमेशा सो जाता है, तो इसे अब मैं सुलाऊंगा। तो गाइज मैं शिवा को सुला रहा हूँ, तो मुझे अब सुलाना आ जाता है। जब ये बहुत छोटा सा था तो जब ये पैदा हुआ था तो मुझे लगता था कि मैं इसको कैसे हैंडल करूँगा, मैं इसे कैसे सुलाऊंगा। तो धीरे 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 जब ये बड़ा होता गया तो मुझे बहुत प्रैक्टिस हो गई इसको सुलाने की। अब मुझे अच्छा लगता है इसको सुलाने में और ये मेरे पास बहुत अच्छे से सो भी जाता है। तो शिवा सो चुका है और देखो 2 मिनट भी नहीं लगे इसे सुलाने में, मुझे हैबिट भी हो चुकी है जब मैं कृष्ण जी का गाना गाता हूँ कि ये बहुत जल्दी सो जाता है। और आप देख रहे होंगे वीडियो में थोड़ा सा अंधेरा सा दिख रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि जब भी हम बच्चे को सुलाते हैं, जब भी छोटा बच्चा होता है उसको लाइट के पास कभी नहीं सुलाना चाहिए, हमेशा उसे अंधेरे में सुलाना चाहिए। किचन में क्या है, लंच भी बनाना होता है जिसकी वजह से शोर हो जाता है, तो आजकल इसको हम रूम पे ही सुलाते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा सोता है ये, कम से कम 3 घंटा कंटिन्यूस होता है, तो अभी बहुत अच्छे से सो चुका है। तो गाइस मैं अब किचन में आ चुका हूँ और किचन में जैसे ही पहुंचा तो देखा मैंने शिवा खेल रहा था, बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था, तो वैसे ही मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उसको अपनी गोद में लिया और अभी मेरी गोद में बैठा हुआ है बिल्कुल प्यार से, आप देख सकते हैं यहाँ पे शिवा। ओ लो 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 जैसे आपको पता है कि शिवा अभी 5 मंथ्स का ही हुआ है, तो अभी तक वो माँ का ही दूध पी रहा है, तो आज पहली बार इसको आज हम थोड़ा सा सॉलिड फूड दे रहे हैं और बनाना का हम एक बना रहे हैं, बनाना विद मिल्क इसको बना रहे हैं। जो बच्चा ऑलमोस्ट 5-6 महीने का हो जाता है तो उसको कोशिश करें कि उसको आप सॉलिड फूड देने की कोशिश करें, क्योंकि माँ का दूध भी पिएगा और सॉलिड फूड भी खाएगा तो इससे उसका बेनिफिट होगा उसके हेल्थ के लिए। तो दोस्तों देखो मैंने एक बनाना लिया है और हल्का सा एक दूध भी ले रखा है, और दूध कोशिश करना कि दूध इसमें पूरा गाय का नहीं होना चाहिए, इसमें हल्का सा मिक्स थोड़ा सा पानी होना चाहिए, पानी विद मिल्क होना चाहिए। और थोड़ा सा अब ये फ्रिज से निकाला है तो ठंडा भी नहीं देना है, हल्का सा इसको बॉयल कर लेना, हल्का गुनगुना करना है इसको। फिर उसके बाद दोस्तों क्या करना है, एक शायद आधा ही बनाना इसके लिए काफ़ी होगा, शायद हम पहली बार ट्राई कर रहे हैं तो शायद इसको मैं पूरा एक बनाना नहीं दूंगा आज, तो आज हम ट्राई कर रहे हैं कि इसको आधा बनाना के लिए, तो छोटे छोटे कट कर ले इसको। छोटे छोटे कट करने के बाद इसको एक बाउल में डाल दे, देखना इसमें कोई मलाई वगैरह ना रहे, बस थोड़ा सा इसको थोड़ा सा सिर्फ दूध डालना है। और इसके बाद एक फोक लेना है, फोक के बाद इसको हल्का से ऐसे मैश कर देना। तो गाइस देख सकते हैं मैंने शिवा के लिए एक आज पहली बार एक सॉलिड फूड बनाया विद बनाना विद मिल्क, तो देख सकते हैं इसको मैंने हल्का सा बनाना कट किया जैसे आपने वीडियो में देखा पहले ही, तो उसके बाद मैंने हल्का सा मिल्क डाला और हल्का सा मैश करके देख सकते हैं आप किस तरह का सही वाटर हीटअप का बन चुका है, क्योंकि शिवा के अभी दांत तो है नहीं है तो अभी खा तो सकता नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा प्यूरी तरह का बनाया है। तो इस तरह आप भी जिसके बेबी 6 to 10 मंथ्स के हैं, उसके बीच में जो जिसके बेबी है, तो वो इस तरह का फूड बना सकते हैं, जैसे कि आप राइस को भी मैश करके उसको एक फूड बना सकते हैं, केले को भी बना सकते हैं, एवोकाडो तो यहाँ पे मिलता नहीं है वैसे, एवोकाडो का बहुत अच्छा
रहता है। मैं नेक्स्ट टाइम देखूंगा अगर रामपुर या शिमला जाऊंगा तो मैं एवोकाडो लेके आऊंगा, तो इसके लिए एवोकाडो का एक मैं इस तरह से एक फूड बनाऊंगा। तो आप सब भी ये चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि अभी इस तरह का खाना देना एक छोटे से बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसके हेल्थ के लिए प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता है माँ के दूध से। तो इसलिए कोशिश करना कि उसको इस तरह का फूड भी दे। तो अब देखते हैं पहली बार शिवा को ये फूड दे रहे हैं, वो इसको पसंद करेगा कि नहीं करेगा, लेट्स सी, देखते हैं। तो गाइस देख सकते हैं आप, शिवा आज पहली बार बनाना खा रहा है, थोड़ा इसको मैश करके दे रहे हैं, थोड़ा पतला सा बनाया हुआ है, और देखिए कितने मजे से खा रहा है। वो हमने सोचा नहीं था शिवा इतने प्यार से खाएगा इसको, और शिवा को ये बहुत पसंद आ रहा है। तो गाइस देख सकते हैं शिवा ने सारा ही बनाना खा लिया है, और आप देखो खाने के बाद ये कितना खुश दिख रहा है, खेल रहा है। देख सकते हैं गाइस, आप ये देखिए शिवा ने पूरा खाली कर दिया है। तो गाइस आप इसके चेहरे पे भी देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा, इसके ना हल्का सा यहाँ देख सकते हैं आप, हल्की सी इसकी एलर्जी सी हो रही है। अभी हमें समझ नहीं आ रहा है ये किस वजह से हो रही है। शुरू में तो हमें लगा कि शायद ये घी से हो रही होगी, क्योंकि घी हम इसके फेस पे लगाते थे, शायद उस वजह से हो रही होगी। बट हमने घी भी ऑलमोस्ट 1 वीक से लगाना बंद कर दिया है, तो अभी भी ये ठीक नहीं हो रहा है। तो कभी कभी ठीक हो जाता था, फिर से आ रहा है, यहाँ देख सकते हैं आप। तो गाइस हम कलम कुमारसन जा रहे हैं इसको चेकअप कराने के लिए, क्योंकि कुमारसन में वहाँ एक बच्चों का डॉक्टर बैठता है, तो कल हम कुमारसन इसको लेके जाएंगे। देख सकते हैं कि शिवा देखो कितना प्यारा सोया हुआ है, खाना खाने के बाद जो हमने इसको बनाना का सॉलिड फूड बनाया था उसको खाने के बाद ये बिल्कुल इसको नींद आ चुकी है, और इतने प्यार से सो रहा है कि अब इसको शायद इसका शायद पेट फुल हो चुका है, शायद इसीलिए ये सो चुका है। तो अब इसको हम पेट पे ले जाएंगे इसको सुलाने के लिए अब। तो देखते हैं कल डॉक्टर क्या बोलते हैं शिवा को, उसके चेहरे पे किस वजह से एलर्जी हो रही है। तो कल हम हॉस्पिटल तो जा रहे हैं, तो आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तो मिलता हूँ मैं आप नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ करके लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए बाय बाय।